गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सुप्रभात बच्चों। तो इन लास्ट क्लास वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 5 बदसूरत ऊंट, इजंट इट? सो टुडे वी स्टार्ट विद द न्यू लेसन दिवाली। ओके चिल्ड्रेन, टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यू लेसन दिवाली। टेक आउट योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6, सॉरी पेज नंबर, लेसन नंबर 6 एंड पेज नंबर इज 26, ओके? पार्ट 6 दिवाली, ओके? सो रेडी विथ योर टेक्स्ट बुक दिवाली। यू नो नो व्हाट इज दिवाली? यस, द फेस्टिवल, द नेम ऑफ वन फेस्टिवल इज दिवाली, ओके? द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, दिस इज द लेसन अबाउट दिवाली फेस्टिवल। यह पाठ में दिवाली के त्योहार के बारे में बताया गया है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेस्टिवल? फेस्टिवल इन हिंदी में हमें क्या कहते हैं? फेस्टिवल को त्योहार कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्योहार? फेस्टिवल, ओके? सो दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। हियर टू पर्सन्स आर देयर, हियर कन्वर्सेशन इट इज गिवन, इट इज द लेसन, वी कैन सी द कन्वर्सेशन ऑफ टू मेंबर्स। Two members are there. One is Pratik, the name of one boy, and one member is his grandfather. Who is that? Is Pratik's grandfather. So here in this lesson, conversation is going on between one boy and his grandfather. The name of that boy is Pratik. Understood? So once again, I'll repeat. यहाँ पर दो सदस्य के दोनों सदस्यों के बातचीत के बारे में बताया गया है। और वह दो सदस्य है, एक है, एक लड़के का नाम है प्रतीक और उसके दादाजी। समझ में आया? सो दो मेंबर है वहां, यहाँ पर एक है प्रतीक और दूसरे हैं उनके दादाजी। सो विल स्टार्ट विद द लेसन। सो रेडी चिल्ड्रन? यस। सो कीप योर फिंगर पेज नंबर 26, पेज नंबर 26, पाठ 6 दिवाली। प्रथम दादाजी कहते हैं, दादाजी, सी इफ इट इज गिवन लाइक दिस, नो, दादाजी एंड टू डॉट मींस समथिंग इज, दादाजी इज टेलिंग, ओके? दादाजी क्या कहते हैं हम देखेंगे। दादाजी, प्रतीक, तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है? नाउ दादाजी इज टेलिंग टू प्रतीक, ओके? द नेम ऑफ इट्स ग्रैंड सन इज प्रतीक। प्रतीक से क्या कहते हैं? प्रतीक, तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है? नाउ यू हैव टू राइट द मीनिंग, ओके, इन द टेक्स्ट बुक, अंडरलाइन दैट वर्ड एंड राइट देयर मीनिंग। सो शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान, पहला है त्योहार। What is the meaning of त्योहार? त्योहार means festival. त्योहार means what children? Festival. So underline this त्योहार and write up their meaning festival with the pencil. Okay, so first one is दादाजी प्रति, first दादाजी is telling, क्या कहते हैं? प्रतीक, तुम्हें, तुम्हें means to you, कौन सा त्योहार, which festival सबसे अच्छा लगता है? सबसे मींस मोस्ट एंड अच्छा लगता है मींस लाइक। सो प्रतीक, विच फेस्टिवल डू यू लाइक मोर, मोस्ट, विच फेस्टिवल डू यू लाइक मोस्ट, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। प्रतीक, तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है? नाउ द आंसर इज गिवन बाय प्रतीक, व्हाट ही इज टेलिंग विल सी, ओके? प्रतीक, प्रतीक कहता है, दादाजी, मुझे दिवाली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है। वह कहता है, दादाजी, मुझे दिवाली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है। दादाजी, मुझे दिवाली का त्योहार, आई लाइक द दिवाली फेस्टिवल मोस्ट, ओके? मुझे दिवाली का त्योहार, द फेस्टिवल ऑफ दिवाली, आई लाइक द मोस्ट। सो मुझे दिवाली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है। नाउ दादाजी इज टेलिंग, यह बताओ सबसे अच्छा क्यों लगता है? नाउ दादाजी सिंह, दादाजी कहते हैं, यह बताओ मीन्स टेल मी, सबसे अच्छा क्यों लगता है? व्हाई यू लाइक द मोस्ट,
दिस फेस्टिवल सबसे अच्छा क्यों लगता है? व्हाई यू लाइक दिस फेस्टिवल मोस्ट? प्रतीक कहता है, सबसे अच्छा इसलिए लगता है कि उन दिनों स्कूल की छुट्टियां होती है। प्रतीक कहता है, सबसे अच्छा इसलिए लगता है, आई लाइक दिस फेस्टिवल मोस्ट बिकॉज, इसलिए लगता है कि, व्हाई आई लाइक दिस फेस्टिवल, इसलिए मीन्स क्योंकि, क्योंकि उन दिनों, इन दिस डेज स्कूल की छुट्टियां होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छुट्टियां? छुट्टियां मीन्स यू नो नो हॉलीडेज, छुट्टियां। सी हाउ टू राइट छुट्टियां, इट इज इम्पोर्टेंट इन हिंदी, छुट्टियां। यू नो हाउ टू राइट हॉलीडे, बट यू डोंट नो हाउ टू राइट छुट्टियां, सो लर्न इट प्रॉपरली। हाउ टू राइट, छ को छोटी उनकी मात्रा छू, देन हाफ, दैट्स व्हाई इट इज लाइन बिलो, देन अगेन को छोटी की मात्रा, एंड य को आ की मात्रा, एंड चंद्र बिंदु। छुट्टियां मीन्स हॉलीडेज। ओके, सो उन दिनों स्कूल की छुट्टियां होती हैं, नए वस्त्र पहनने को मिलते हैं। आई लाइक दिस फेस्टिवल बिकॉज इन दिनों छुट्टियां होती है स्कूल की, मीन्स ऑन दिस डेज वी आर गेटिंग हॉलीडेज। ओके, और क्या होता है? नए वस्त्र पहनने को मिलते हैं। नए, नए मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? नए, नए मीन्स न्यू। नए मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? न्यू। ओके, एंड वस्त्र, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वस्त्र? वस्त्र मीन्स क्लोथ्स। वस्त्र मीन्स व्हाट? क्लोथ्स। नए वस्त्र पहनने को मिलते हैं मीन्स विल गेट द न्यू क्लोथ्स टू वेयर। ओके, अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। अच्छी अच्छी मीन्स व्हाट? नाइस नाइस। ओके, स्वादिष्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वादिष्ट? स्वादिष्ट मीन्स टेस्टी। स्वादिष्ट मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? टेस्टी। अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। मिठाइयाँ मीन्स व्हाट? मिठाइयाँ मीन्स स्वीट्स, एंड स्वादिष्ट मीन्स टेस्टी। ओके, टेस्टी एंड स्वादिष्ट टेस्टी मिठाइयाँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिठाइयाँ? मिठाइयाँ मीन्स स्वीट्स। मिठाइयाँ मीन्स स्वीट्स। सो स्वादिष्ट मीन्स व्हाट? टेस्टी, एंड मिठाइयाँ मीन्स स्वीट्स। सो अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने को मिलती है मीन्स ऑन द दिवाली टाइम विल गेट द टेस्टी स्वीट्स टू ईट। ओके चिल्ड्रन, सो अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। फुलझड़िया और पटाखे जलाने को मिलते हैं। फुलझड़िया मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? दिस इज द क्रैकल्स। फुलझड़िया सुसुरबत्ती, यू गेट? नो, दैट इज फुलझड़िया। और पटाखे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पटाखे? पटाखे मीन्स क्रैकर्स। पटाखे मीन्स व्हाट चिल्ड्रन? क्रैकर्स। सो यू हैव टू राइट पटाखे क्रैकर्स। फुलझड़िया और पटाखे जलाने को मिलता है। पटाखे, फर्स्ट यू राइट पटाखे। पटाखे मीन्स क्रैकर्स, एंड जलाना, जलाना मीन्स टू बर्न। जलाने को मिलते हैं मीन्स टू बर्न। ओके, सो सबसे अच्छा इसलिए लगता है कि उन दिनों स्कूल की छुट्टियां होती है, नए वस्त्र पहनने को मिलते हैं, अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने को मिलती है, फुलझड़िया और पटाखे जलाने को मिलते हैं। विल गेट द पटाखे क्रैकर्स टू बर्न ऑन दिस डेज, ऑन द टाइम ऑफ दिवाली विल गेट द फुलझड़िया एंड पटाखे टू बर्न। ओके, अंडरस्टूड? एंड विल गेट द स्वीट्स, टेस्टी स्वीट्स टू ईट। सो अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं, फुलझड़िया और पटाखे जलाने को मिलते हैं। लोग दीपक जलाते हैं। क्या क्या होता है दिवाली के
क्यों दादाजी पूछते हैं कि तुम्हें सबसे अच्छा क्यों दिवाली का त्योहार लगता है, तो प्रतीक बताता है क्योंकि मुझे इन दिनों स्कूल की छुट्टियां होती है, नए वस्त्र पहनने को मिलते हैं, अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयाँ खाने को मिलती है और ऊपर से फुलझड़ियां और पटाखे जलाने को मिलते हैं। और क्या होता है तुलसी, लोग दीपक जलाते हैं, और इस मीनिंग ऑफ दीपक, दीपक मीन्स कैंडल, ओके, दिया, दीपक मीन्स व्हाट, दिया, ओके, कैंडल, दीपक जलाते हैं, लोग मीन्स व्हाट, पीपल, लोग मीन्स व्हाट, पीपल, लोग मीन्स पीपल, सो लोग दीपक जलाते हैं मीन्स पीपल विल गेट द, पीपल विल बर्न द कैंडल, गलियां और बाजार सजते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गलियां एंड बाजार, यस, गलियां मीन्स स्ट्रीट्स, गलियां मीन्स व्हाट चिल्ड्रेन, स्ट्रीट्स एंड बाजार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाजार, बाजार मीन्स मार्केट, बाजार मीन्स व्हाट चिल्ड्रेन, मार्केट, पटाखे मीन्स क्रैकर्स, जलाने मीन्स टू बर्न, दीपक मीन्स कैंडल, लोग मीन्स पीपल, गलियां स्ट्रीट्स एंड बाजार मीन्स मार्केट, गलियां और बाजार सजते हैं, गलियां और बाजार सजते हैं, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सजते हैं, सजते मीन्स सजना, ओके, सजते मीन्स टू डेकोरेट, डेकोरेशन, सजना मीन्स टू डेकोरेट और डेकोरेशन, गलियां और बाजार सजते हैं मीन्स वी कैन सी द स्ट्रीट्स एंड मार्केट विथ डेकोरेशन, वी कैन सी द स्ट्रीट्स एंड मार्केट, डू द डेकोरेशन स्ट्रीट्स एंड मार्केट्स, घरों में भी विशेष सजावट होती है, सजावट मीन्स डेकोरेशन, ओके, सजते हैं मीन्स दे आर डेकोरेटिव, सजावट मीन्स डेकोरेशन, सजावट, सजावट सजते हैं डेकोरेशन, ओके, सो घरों में भी विशेष, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विशेष, विशेष मीन्स स्पेशल, विशेष मीन्स व्हाट चिल्ड्रन, स्पेशल, विशेष मीन्स स्पेशल, गलियां और बाजार सजते हैं, घरों घरों में भी विशेष सजावट होती है, मीन्स इन हाउस ऑल्सो विल डू द स्पेशल डेकोरेशन एट द टाइम ऑफ दिवाली, ओके, दिवाली के दिनों में हम घर की भी सजावट करते हैं, काली रात उजाले के सागर में डूब जाता है, काली रात उजाले के सागर में डूब जाता है, काली रात मीन्स ब्लैक नाइट, उजाले के सागर में डूब जाता है मीन्स दैट फुल ब्लैक नाइट, नो, अमावस्या की रात होती है तब दिवाली के दिन, दैट वॉज फुल ब्लैक नाइट, इट विल टर्न इंटू हाउ, फुल ऑफ लाइट, दैट नाइट विल टर्न इंटू फुल ऑफ लाइट, उजाले के सागर मीन्स फुल ऑफ लाइट, सागर मीन्स सी, सागर मीन्स व्हाट चिल्ड्रेन, सी, सो कंप्लीट इट चिल्ड्रेन, देन आई गिव द अदर, आई रब एंड गिव द अदर मीनिंग्स, त्योहार फेस्टिवल, छुट्टियां हॉलीडेज, नए न्यू वस्त्र क्लोथ्स, स्वादिष्ट टेस्टी मिठाइयां स्वीट्स, पटाखे क्रैकर्स, जलाने मीन्स टू बर्न, दीपक मीन्स कैंडल, लोग पीपल, गलियां स्ट्रीट, बाजार मार्केट, सजावट डेकोरेशन, विशेष स्पेशल, ओके, सो हियर सागर, सागर मीन्स सी, हियर नॉट सी, बट द फुल लाइट विल टर्न इनटू द फुल ऑफ लाइट मीन्स दैट्स व्हाई उजाले के सागर, यह शब्द कहा गया है, उजाले का सागर मीन्स व्हाट, यस, उजाले के सागर में मीन्स व्हाट, यस चिल्ड्रेन, दैट इज द लाइट, दैट नाइट, ब्लैक नाइट विल टर्न इनटू द फुल लाइट, फुल ऑफ लाइट दैट नाइट, ओके, सागर में डूब जाता है, सागर में डूब जाता है, ओके, सचमुच बड़ा आनंद आता है,
सचमुच मीन्स वॉट रियली, सचमुच मीन्स वॉट चिल्ड्रन, रियली बड़ा आनंद आता है, विल गेट फुल हैप्पीनेस, विल गेट विल एंजॉय फुल, ओके दैट टाइम सचमुच बड़ा, बड़ा मीन्स मोर, बड़ा मीन्स मोर, मोर बड़ा आनंद आता है, विल गेट द मोर एंजॉयमेंट दैट टाइम एट द टाइम ऑफ दिवाली. वाई? बिकॉज उन दिनों स्कूल की छुट्टियां होती है, नए वस्त्र पहनने को मिलते हैं, अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयां खाने को मिलती है, और हमें फुलझड़ियां और पटाखे भी जलाने को मिलते हैं. उन दिनों क्या होता है, लोग दीपक जलाते हैं और घर बाजारों में और गलियों में, गलियों में सजावट होती है, घरों में भी विशेष सजावट होती है, और इस तरह पूरी काली रात उजाले के सागर में डूब जाता है. पूरी रात दैट काली रात उजाले के सागर में डूब जाता है. सचमुच बड़ा आनंद आता है. सचमुच मींस व्हाट रियली इन दैट लेसन वी हैव लर्न, फिफ्थ लेसन बदसूरत ऊंट, सचमुच वी हैव लर्न. सो सचमुच बड़ा आनंद आता है. रियली विल गेट द मोर एंजॉयमेंट दैट टाइम. आनंद मीन्स व्हाट एंजॉयमेंट, ओके विल गेट द मोर एंजॉयमेंट दैट टाइम. दादाजी जानते हो यह त्योहार कब आता है? दादाजी अब पूछते हैं प्रतीक से. प्रतीक ने यह सब बताया ना, अब दादाजी कहते हैं जानते हो यह त्योहार कब आता है. मीन्स जानते हो मीन्स यू नो, डू यू नो, जानते जानना मीन्स नोइंग, ओके जानते हो मीन्स डू यू नो यह त्योहार कब आता है. कब मीन्स वेन, कब, कब मीन्स वेन. डू यू नो वेन दिस फेस्टिवल विल कम, ऑन विच डे इट विल कम. जानते हो यह त्योहार कब आता है, तब प्रतीक बताता है. प्रतीक को पता है यह त्योहार कब आता है. हाँ दादाजी मुझे अच्छी तरह याद है. हाँ दादाजी मुझे अच्छी तरह याद है. इज सेइंग यस ग्रैंडफादर आई नो वेरी वेल, अच्छी तरह याद है. याद मीन्स रिमेम्बर, आई नो रिमेम्बर, याद मीन्स रिमेम्बर, याद रिमेम्बर, आई रिमेम्बर वेरी वेल, आई रिमेम्बर वेरी वेल. कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का त्योहार आता है. रीड दिस लाइन, यू रीड प्रॉपरली. कार्तिक मास, यू नो दैट इन सी इन लाइक हिंदू मास द मंथ्स विल बी देयर. कार्तिक मास है पोष महा, ओके. इन इंग्लिश हाउ वेल वी विल हैव लाइक जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल द नेम ऑफ मंथ्स, नो लाइक दैट सेम वे इन हिंदू Hinduism also we have the names of these months like Kartika, Maksara, Posh. Okay, so Diwali at which, in which month it will come? Kartik. Which month it will come? Kartik. Kartik Mas. Mas means what? Month. Mas means month. Okay, so when it will fall this Diwali festival? On the month of Kartik. ओके कार्तिक मास की दिस नो एज पर हिंदू कैलेंडर इट विल कम दिस दिवाली फेस्टिवल नॉट लाइक दैट जनवरी 20th लव नॉट नवंबर और एवरी ईयर इट विल नॉट कम इन नवंबर ओनली और इन अक्टूबर ओनली सो इट विल कम अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर सो व्हेन इट विल कम सो व्हेन इट इज कमिंग ऑन कार्तिक मास की अमावस्या को कार्तिक महीना और अमावस वो दिन होता है अमावस का अमावस मीन्स वॉट full that day we can't see the moon okay so that is the amavasya and purnima means full moon day okay purnima means full moon day amavasya means no moon we can't see the moon that day so kab aata hai yah tyohar kartik mas ki amavasya ko diwali ka tyohar aata hai on that day it will come it is coming every year is tyohar ke aane se कुछ दिन पहले ही इसकी चहल पहल नजर आने लगती है इस त्योहार के आने से कुछ दिन पहले ही मीन्स बिफोर दिस फेस्टिवल कम्स नो दिस फेस्टिवल कम्स बिफोर फ्यू डेज ओनली वी कैन सी द चहल पहल और इज द चहल पहल मीन्स वी कैन सी द क्राउड मीन्स पीपल आर गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर टू बाय द थिंग्स और टू डेकोरेट समथिंग और समथिंग टू बाय द स्वीट्स एंड ऑल सो चहल पहल नजर आने लगती है नजर मीन्स वी कैन सी फॉर फ्यू डेज ऑफ दिस फेस्टिवल ओनली वी कैन सी द क्राउड और पीपल आर मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर दैट इज चहल पहल ओके चहल पहल नजर आने लगती है एंड वी कैन सी द पीपल आर वेरी हैप्पी बिफोर दिस फेस्टिवल ओनली ओके सो लोग विभिन्न प्रकार की
तैयारियां करने में लग जाते हैं। लोग विभिन्न, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विभिन्न? विभिन्न मीन्स डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स, ओके। सो तैयारियां, तैयारियां मीन्स व्हाट? यस, तैयारियां मीन्स दे विल डू द दिस, दे विल रेडी नो, ओके, दैट इज तैयारियां, ठीक है। तैयारियां करने में लग जाते हैं, मीन्स दे विल स्टार्ट बिफोर ओनली दे हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग, नो, दैट इज दे विल स्टार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, दे विल मेक सम स्वीट्स एंड दे विल सम विल कलर द हाउस, दैट वे दे विल डू बिफोर द दिवाली कम्स ओनली, फ्यू डेज बिफोर ओनली दे विल स्टार्ट एवरीथिंग। सो लोग विभिन्न प्रकार की तैयारियां करने में लग जाते हैं। लोग विभिन्न, विभिन्न, यू नो नो अंडरस्टूड, विभिन्न मीन्स व्हाट? यस, विभिन्न मीन्स डिफरेंट टाइप्स, विभिन्न प्रकार की, प्रकार मीन्स टाइप्स, ओके, एंड विभिन्न मीन्स डिफरेंट एंड प्रकार मीन्स टाइप्स। तैयारियां करने में लग जाते हैं, लग जाते हैं मीन्स दे आर एंगेज, लग जाते हैं मीन्स व्हाट? दे आर एंगेज इन डूइंग द प्रिपरेशन, तैयारियां मीन्स व्हाट? प्रिपरेशन, तैयारियां। मीन्स प्रिपरेशन मीन्स लोग विभिन्न प्रकार की तैयारियां करने में लग जाते हैं। पीपल दे आर एंगेज इन डूइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिपरेशन फॉर द फेस्टिवल, ओके। सो दिस मच आई टीच टुडे, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन आई टीच इन द नेक्स्ट क्लास। सो अंडरस्टूड अप टू दिस? क्यों प्रतीक को अच्छा लगता है और कौन से दिन यह त्योहार, दिवाली का त्योहार आता है? दिस वी कम टू नो इन दिस पार्ट ऑफ द दिस लेसन, दिवाली। वंस अगेन आई रीड, कीप योर फिंगर चिल्ड्रेन। सो वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लव। दिवाली, दादाजी, प्रतीक, तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है? प्रतीक कहता है, दादाजी, मुझे दिवाली का त्योहार सबसे अच्छा लगता है। दादाजी कहते हैं, यह बताओ सबसे अच्छा क्यों लगता है? तब प्रतीक कहता है, सबसे अच्छा इसलिए लगता है कि उन दिनों स्कूल की छुट्टियां होती है। सबसे अच्छा इसलिए लगता है कि उन दिनों स्कूल की छुट्टियां होती है, नए वस्त्र पहनने को मिलते हैं। सबसे अच्छा इसलिए लगता है कि उन दिनों स्कूल की छुट्टियां होती हैं, नए वस्त्र पहनने को मिलते हैं, अच्छी अच्छी स्वादिष्ट मिठाइयां खाने को मिलती है, फुलझड़ियां और पटाखे जलाने को मिलते हैं, लोग दीपक जलाते हैं, गलियां और बाजार सजते हैं, घरों में भी विशेष सजावट होती है, काली रात उजाले के सागर में डूब जाता है, सचमुच बड़ा आनंद आता है। दादाजी कहते हैं, जानते हो यह त्योहार कब आता है? तब प्रतीक कहता है, प्रतीक, हाँ दादाजी, मुझे अच्छी तरह याद है, कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली का त्योहार आता है। इस त्योहार के आने से कुछ दिन पहले ही इसकी चहल पहल नजर आने लगती है। लोग विभिन्न प्रकार की तैयारियां करने में लग जाते हैं। सो दिस कंप्लीट्स अवर हाफ ऑफ द लेसन। Still half of the half part of this lesson I'll teach in the next class. So till that time you have to read this half of the lesson. Okay, children? Thank you.